हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 14 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं कर क्या है तथा करों के वर्गीकरण का विश्लेषण करें, मतलब टैक्स क्या है तथा टैक्स का जो वर्गीकरण का विश्लेषण करने बोल रहा है। और अथवा में दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित करें, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है उसके बीच के डिफरेंस को लिखना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो पहली बार हम कर का डिफिनेशन लिखेंगे। तो कर का डिफिनेशन है, किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों अथवा विविध संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। किसी राज्य के द्वारा व्यक्तियों या विविध या कोई संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे ही कर या टैक्स कहते हैं। कर जो प्रायः धन मनी के रूप में लगाया जाता है, किंतु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में लगाया जा सकता है। कर मतलब टैक्स जो होता है, करदाता द्वारा किए जाने वाले ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो किसी सामाजिक उद्देश्य, जैसे हो गया आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि करने में सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक टैक्स अनिवार्य शुल्क होता है या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाए राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। इसे क्या होता है, सरकार अपनी जमा पूंजी करती है, इसे सार्वजनिक जगहों पर इसका इस्तेमाल करती है। तो ये जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लगाया जाता है, जैसे सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, इन सभी में खर्च किया जाता है टैक्स के रूप में। अब ये जो टैक्स है, टैक्स भी कई प्रकार के हैं जिसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रमुख जैसे प्रमुख वर्गीकरण है पहला में, तो पहला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, दूसरा है प्रगतिशील अनुपातिक प्रतिगामी एवं अधोगामी कर, तीसरा है विशिष्ट कर एवं वस्तु कर। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो प्रमुख वर्गीकरण में है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले देखेंगे। तो कर जो होता है, भार के आधार पर करों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये जो है कर जो प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष है, ये भार के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। तो पहला देखते हैं करों का या वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला जो है प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। करों का यह जो वर्गीकरण है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह वर्गीकरण स्पष्ट है कि और इसका वित्तीय अधिकारियों के लिए व्यवहारिक महत्व है। आइए अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर का डिफिनेशन क्या है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो राज्य को कर देता है। अतः कर जिस व्यक्ति से लिया जाता है उसी पर मुद्रा देने का अधिकार अंतिम भार पड़ता है। वह इस कर भार को दूसरे पर नहीं डालता है। इसके विपरीत यदि किसी कर दबाव तथा कर का भार समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है तो ऐसा कर प्रोच कर कहलाता है, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हो गया बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये सभी जो अप्रत्यक्ष टैक्स है, क्योंकि इनका जो भार है व्यापारी से उपभोक्ता को स्थानांतरित होता है। दूसरा पढ़ेंगे प्रगतिशील अनुपातिक प्रतिगामी एवं अधोगामी टैक्स के बारे में। करदाता की आर्थिक स्थिति तथा करों की दर के मध्य पाए जाने वाले संबंध के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है प्रगतिशील कर है। तो आइए देखते हैं प्रगतिशील कर क्या है। प्रगतिशील जो कर है वह प्रणाली के अंतर्गत आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है। इस तरह करदाता की आय में वृद्धि होने पर कर दर में भी वृद्धि हो जाना प्रगतिशील करारोपण कहलाता है।
दूसरा है अनुपातिक टैक्स। अनुपातिक टैक्स जो है वह अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत आय के प्रत्येक स्तर पर समान दर में कर लगाया जाता है, अर्थात प्रत्येक करदाता को अपनी आय पर समान अनुपात में कर चुकाना पड़ता है। इस तरह अनुपातिक करारोपण में आय के घटने और बढ़ने पर कर की दर को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, वह अर्थात अथावत रहती है। इस दृष्टि से कर की दर निर्धन व्यक्तियों अथवा धनियों के लिए समान रहती है। तीसरा है प्रतिगामी टैक्स। ये प्रतिगामी टैक्स क्या है? तो प्रतिगामी अथवा अवरोही कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती जाती है। इस तरह की करारोपण में कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के आय बढ़ने के साथ साथ उससे क्या होता है कि उसकी टैक्स को कम पड़ जाता है, इससे क्या होता है कि करारोपण में जो कर का और भार जो होता है वह अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। तीसरा है घा नंबर चौथा है अधोगामी टैक्स। तो अधोगामी टैक्स यह कर प्रणाली प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर प्रणाली का सम्मिलित मिश्रण है, ये बोल सकते इसको। यह कर प्रारंभ में आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और एक निश्चित सीमा तक इस कर की दर प्रगतिशील बनी रहती है और इसके बाद अनुपातिक अर्थात स्थिर हो जाती है। संभवतः यह कर प्रणाली अद्र प्रगतिशील तथा कर भार की दृष्टि से प्रतिगामी मानी जाती है, क्योंकि इस कर का जो भार होता है अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर ही अधिक पड़ता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।